नमस्ते जी। नमस्ते सर। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, गेस्ट भी आते हैं? नहीं, गेस्ट नहीं आते। स्टोर इसलिए नहीं आते? स्टोर इसलिए नहीं आते। देसाई साहब को जानते हैं आप? नहीं सर, देसाई साहब को नहीं पहचानते। हम भी नहीं जानते। चलिए ठीक है। Mr. Desai, we are extremely sorry to give you trouble at this hour. No problem. Please do your duty. Thank you, sir. आप स्वामी प्रभु ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं हमें बताएंगे प्लीज? कौन? स्वामी प्रभु ईश्वर। बाबा? हाँ बाबा। बाबा के बारे में क्या जानते हैं? पता नहीं, ये काफी पुराना मामला है, मेरी मेमोरी काफी कमजोर हो चुकी है। देखिए मिस्टर देसाई, आप तीन लोग थे, दो का मर्डर हो चुका है, इसका मतलब समझते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या तीसरा मेरा नंबर है? आपका या आपकी वाइफ का? मिस्टर देसाई, प्लीज हेल्प अस। अब बताइए स्वामी प्रभु ईश्वर के बारे में आप जो भी जानते हैं। हाँ, हम तीनों स्वामी को एक बार मिले थे। हुआ यूं था कि हम एक शाम को इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे, अचानक हमें किसी के कराहने की आवाज आई, तो हमने उस आवाज को जब फॉलो किया तो वो एक मंदिर के अंदर से आ रही थी। हम जब मंदिर में गए तो एक बूढ़ा स्वामी बीमार हालत में करा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोशी में है। आई थिंक ही वाज डाइंग। हमने डॉक्टर को बुलाना चाहा तो उसने हमें मना कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम धीरेन्द्र जैन है, एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट का इकलौता वारिस। एक दिन अचानक वो सब छोड़ छाड़ कर घर से भाग गया और बाबा बन गया और अपना नाम धीरेन्द्र जैन से स्वामी प्रभु ईश्वर कर दिया। आपको क्या लगता है कि इस मर्डर में उस स्वामी का हाथ है? Maybe, may not be. शिंदे साहब, आप मिस्टर मिसेस देसाई को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अकेले ना रहें, लोगों के बीच में घिरे रहें, हमें आपको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर देसाई, सॉरी फॉर द ट्रबल। गोम्स, मुंबई जाना होगा। ये स्वामी प्रभु ईश्वर की जन्म कुंडली निकालनी होगी।